नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए फाइनल प्लान और नई टीम तैयार कर ली गई है। सीएम के निर्देश पर बहराइच पहुंचे वन मंत्री ने तमाम विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई। अब तक हुए एक्शन की रिपोर्ट अधिकारियों ने वन मंत्री के सामने रख दिया है। नई टीम बनाने का फैसला भी हो गया है। नई टीम के साथ अब आदमखोर के अंत की कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत भेड़ियों को मारने के लिए शूटर्स तैनात कर दिए गए हैं। पहले 9 शूटर्स थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है। खास बात यह है कि सभी शूटर्स वेल ट्रेंड बुलाए गए हैं। भेड़ियों के पकड़ में न आने की सूरत में उन्हें मारने की तैयारी कर ली गई है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 15 नई टीम का गठन भी किया गया है। नई टीम में एक्सपर्ट्स को शामिल किया जा रहा है, जिसमें 150 अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। भेड़िए को पकड़ने के लिए टीम को 7 से 10 दिन का वक्त दिया गया है, यानी कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही इन भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। यह वक्त इस नई टीम को दिया गया है। हमले वाले महसी इलाके को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में 5-5 टीमों की तैनाती की गई है, जिसमें 10-10 सदस्य होंगे। इसी के साथ ड्रोन के जरिए भी तलाशी अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। इन तमाम तैयारी के साथ सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है और साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट की फाइनल आतंक के खात्मे की फाइनल तैयारी क्या है। ट्रेंड शूटर, 15 स्पेशल टीम, 3 सेक्टर, 150 लोगों का मैन पावर। पकड़े जाए तो ठीक, नहीं तो एनकाउंटर। आदमखोर पर प्रहार, फाइनल प्लान तैयार। अब आदमखोर भेड़ियों का अंत निश्चित। बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों के आतंक का अवंत तय हो चुका है। भेड़ियों को गोली मारने के आदेश के बाद अब 18 ट्रेंड शूटर्स को इलाके में लगाया गया है। आदेश साफ है, पकड़े गए तो ठीक, नहीं तो एनकाउंटर, क्योंकि प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। भेड़िए के अंदर एक खासियत है कि जो एक बार अटैक करता है तो दोबारा वैसे नहीं करता है। तीसरा, जो जब एक बार दिख जाता है ड्रोन कैमरा या कोई आवाज हो जाती है तो वो अपना स्वभाव बदल देता है। तो अब नए जितने भी उसके बचे हुए स्वभाव हैं उसके हिसाब से उसको पकड़ने के लिए उन्होंने थोड़ा समय मांगा कि उसको हम टेक्निकली रूप से रिसर्च कर लेते हैं और फिर जल्दी पकड़ लेंगे। रा शूटरों की संख्या 9 से हम लोगों ने बढ़ाकर उसको दुगना कर दिया कि अब जब भी हों उसमें एक्सपर्ट शूटर हों। ये नहीं हो कि कम भेड़िया मारने के चक्कर में कोई हमारा दूसरी कोई घटना न हो जाए, ये भी देखना आवश्यक होता है। करीब 10 दिनों से चल रहे ऑपरेशन भेड़िया में 4 आदमखोर तो पकड़े गए, लेकिन 2 भेड़ियों ने वन विभाग, पुलिस और 20 टीमों के पसीने छुड़ा दिए। बार बार बीच में हमले भी हुए और प्रशासन की तैयारी धरी की धरी रह गई। अब सीएम योगी के सख्त निर्देश के बीच जब वन मंत्री बहराइच पहुंचे तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत भेड़ियों को मारने के लिए 18 ट्रेंड शूटर्स तैनात किए गए हैं। पकड़ में न आने पर भेड़ियों को मारने के आदेश दिए गए हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 15 नई टीमों का गठन किया गया है। भेड़िए को पकड़ने के लिए टीम को 7 से 10 दिन का समय दिया गया है। डीएम स्तर पर रोजाना इसकी रिपोर्टिंग होगी। पुलिस और फॉरेस्ट विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। और इस बीच खबर आ रही है कि भेड़ियों ने अपनी चाल बदल दी है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत से लोगों की नींद उड़ी है। दहशत ऐसी कि गांव-गांव सन्नाटा पसरा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। और इस बीच खबर यह है कि भेड़ियों का लंगड़ा सरदार फिर झुंड में शामिल हो चुका है। जी हाँ, और शिकार पर निकला है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। गांव वालों का दावा है कि अभी 2 नहीं बल्कि कई और भेड़िए हैं जो शिकार की तलाश में गांव के आसपास घूम रहे हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट कि कैसे वन विभाग की टीम अभी तक ये मान रही थी कुल 6 भेड़िए हैं, 4 को पकड़ा गया है, 2 बाहर हैं, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि 2 नहीं कई और बाहर हैं।
आया आदमखोर। कैमरे में दो से ज्यादा नरभक्षी, फिर झुंड में निकला लंगड़ा सरदार। फिर एक्टिव हुआ भेड़िया गैंग। जाल, ड्रोन, पहरेदारी, भेड़िए सब पर भारी। पीछे रह गए जाल, भेड़िए ने बदली चाल। आदमखोर अभी जिंदा है, बहराइच के 50 गांव में आदमखोर भेड़ियों का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में एक रात पहले एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 भेड़ियों के देखे जाने का दावा किया गया है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। वही अब गांव वालों का दावा है कि फरार चल रहे भेड़ियों की संख्या 2 से ज्यादा है। गाँव वालों ने न्यूज 18 से बातचीत में ये दावा किया कि भेड़ियों के झुंड में अभी कई और भेड़िए हैं जो गाँव में लोगों पर हमला कर रहे हैं। एक लंगड़े भेड़िए के साथ उसके कई दूसरे साथियों को भी देखने का दावा गांव वालों ने किया है। गांव वालों का दावा है कि भेड़ियों का मूवमेंट बार बार देखने को मिला है। प्रशासन की पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्विलांस के बावजूद भेड़ियों के मूवमेंट को रोकने में नाकामी मिली है। भेड़ियों के आतंक के चलते लोगों की रातों की नींद हराम है। घाघरा नदी के किनारे महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव इलाके में एक बार फिर से भेड़िया देखे जाने का दावा किया गया है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब आपको भेड़िये की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिकंदरपुर गांव की है, जबकि दूसरी तस्वीर महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव की है। इन्हीं दोनों गांवों में भेड़ियों को देखने का दावा किया गया है। इससे पहले गरेठी गांव के गन्ने के खेत में भेड़िया दिखा था, उसके बाद वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन में भेड़िया नहीं मिला। ये का आतंक बना हुआ, और ऐसे में वन विभाग के अधिकारी भी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। आज वन मंत्री जहां एक और स्टाफ को दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को, तो वहीं आप देख सकते हैं वन विभाग के अधिकारी यहां इस वक्त मौजूद हैं। और इस ईंख के खेत में, यानी गन्ने के खेत में करें, और चाहे इनकी पूरी टीम लगी है, तो देख सकते हैं कुछ लाठी, कुछ डंडे लेके, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं या यहां इनके डीएफओ सर मौजूद हैं। सर क्या देख रहे हैं सर? यहां पक्षी देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, भेड़िए की सर पूरा खेत देख रहे हैं अंदर तक? जी अंदर तक जाएंगे, जाता संख्या लगेगी कि हाँ इधर हो सकता है, इधर बैठा होगा। हाँ। तो देख, उसी को देख रहे हैं। कोई पक्षी दिखा सर? अभी नहीं दिखा दिया। तो कितनी टीम लगी आपके साथ? तमाम लोग देख रहा हूँ लगे हुए हैं। जी सर, इसकी फोटोग्राफी भी करा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, फोटोग्राफी मोबाइल से ले रहे हैं अपनी हम लोग। अच्छा सर जी, तो आप देख सकते हैं कि ये टीम यहाँ मौजूद है फॉरेस्ट की, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, पूरे हाथ में डंडे लेके पूरी टीम, और न्यूज 18 की टीम भी इस वक्त राउंड जीरो पर है, क्योंकि अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि चप्पे चप्पे पर फैल जाए, ताकि किसी प्रकार की जो लोगों को आशंका है कि यहाँ इस खेत में हो सकता है या सामने वाले गांव के मजारे में हो सकता है। और ऐसे में अब पूरे, जहां तक इस पूरे एरिया की बात की जा रही है, यहाँ इस वक्त फॉरेस्ट विभाग की टीम मौजूद है। अब जब इनका ये सर्च ऑपरेशन समाप्त होगा, तब जाके पता चलेगा कि क्या यहाँ भेड़िया के पक्षी मिले या नहीं। सिकंदरपुर गांव में भेड़िये से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ रात रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका किया जा रहा है, ताकि आदमखोर भेड़िया गांव के आसपास भी ना भटक सके। तो वहीं ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गांव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील कर रहे हैं। किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा। बहराइच में प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िये पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार की ओर से भेड़ियों के एनकाउंटर का आदेश जारी कर दिया गया है।
सारे रास्ते असफल हो गए तभी जो है मारने की अनुमति चाहिए। तो पकड़ने की तो इतने दिन से कोशिश हो रही है, 10 लोगों को मार दिया भेड़िए ने, तो पकड़े गए 4 जी। अगर इस तरीके से पकड़ में आ गया तो माननी जरूरत नहीं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत कायम है, लेकिन राहत की बात यह है कि 2 दिनों में भेड़िए ने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया है। बहराइच में आतंक का पर्याय बने भेड़िया आखिर बहराइच से दूर क्यों नहीं जा रहे? जानकार कहते हैं कि भेड़िए भले पकड़े जाएं या फिर मारे जाएं, पर वो बहराइच नहीं छोड़ेंगे। आखिर ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। आदमखोर भेड़िए बहराइच से दूर क्यों नहीं जा रहे? बार बार हमले के लिए क्यों लौट रहे भेड़िए? आखिर महसी इलाका छोड़ने को भेड़िए क्यों तैयार नहीं है? क्या ये भेड़िए बदला ले रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि वन विभाग, पुलिस और गांव वाले दिन रात भेड़िए को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 भेड़िए पकड़े भी गए, उसके बावजूद भेड़िए बार बार वापस उसी महसी इलाके की तरफ लौट रहे हैं जहां सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। आखिर भेड़ियों का ये झुंड बहराइच के इस इलाके को क्यों नहीं छोड़ रहा है? उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ धनंजय मोहन कहते हैं कि इनका सोशल डायनामिक्स बहुत मजबूत होता है। बाघ की तरह भेड़ियों का अपना इलाका है जिसे वो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ते, चाहे वो मारे ही क्यों ना जाए। तो ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, चाहे वो कैट फैमिली के हों चाहे वो डॉग फैमिली के हों, इनके जो टेरिटोरियल बिहेवियर होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको भगा दें और ये दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में संभवतः दूसरे भेड़िए हो सकते हैं। तो क्योंकि इनकी जो सोशल डायनेमिक्स होती है बहुत इंटरनल सोशल डायनेमिक्स बड़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए वो अपनी टेरिटरी आसानी से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दूसरे जगहों पे उनको दूसरे पैक्स का एग्रेशन मिल सकता है, उनसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। सवाल ये भी है कि आखिर ये भेड़िए लोगों को अपना शिकार क्यों बना रहे हैं? इसको लेकर एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि भेड़िए मई से अक्टूबर तक ज्यादा आक्रामक होते हैं। इनको डर रहता है कि कहीं खेत में काम करने वाले व्यक्ति इनके ऊपर हमला न कर दे। इसके साथ ही इन भेड़ियों का सबसे आसान शिकार छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि ये बच्चों को आसानी से अपने मुंह में पकड़ सकते हैं। तो मई एंडिंग से लेकर अक्टूबर तक इनका ऐसा एक पीरियड होता है जिसमें ये अग्रेसिव होते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जो फार्मर्स हैं, मैं फिर अपने कैमरा मैन को दिखाऊं, जैसे फार्मर्स हैं यहाँ खेतों पे आते हैं, इनके पास हाथ में डंडा होता है या हसी, इनको लगता है कि वो उन पर हमला करने आ रहे हैं, और इनके जहन में ये बात आती है कि हम पे अटैक कर रहे हैं, इससे पहले ये हम पे अटैक करें हम इन पर अटैक करें। और तीसरी चीज, कुछ महीने ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया मई से लेकर अक्टूबर तक, वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें इनके एग्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, और ऐसे में ये अटैक टेंडेंसी होती है। और बच्चे को पकड़ने के पीछे जो वाइल्ड लाइफ पे लोग काम करते हैं उनका ऐसा मानना है कि इनको लगता है कि जो स्मॉल चीज है इनको, क्योंकि जानवर और इंसान में ऐसी चीजें समझ नहीं आती, इनको टीथ की ग्रिप में जो पिन होता है, टीथ की पिन में जो चीज जल्दी ग्रैब आउट हो जाए उसको ये खींचकर आगे अपनी तरफ घसीटते हैं। और इनके लिए मोस्टली कन्वीनियंट होता है बच्चा, क्योंकि 3 साल से लेकर 5 साल का या नवजात बच्चा इनके टीथ के ग्रैब में आता है और उस पे सीधे नेल्स अपने गाड़ देते हैं और उसको अपने साथ उठा के शिकार को ले जाते हैं। भेड़िया झुंड में रहने वाला जानवर है। मेल और फीमेल मिलकर झुंड की शुरुआत करते हैं जिसे अल्फा पियर पैक भी कहा जाता है। भेड़िया जमीन के अंदर अपना आशियाना बनाते हैं जहाँ वो करीब 1.5 महीने तक अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। उसके बाद भेड़िए अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां पानी और उनके लिए खेलने को शांत जगह मिल जाए। पैदा होने के करीब 3-3.5 महीने बाद ये झुंड को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि साल भर से भी कम समय में भेड़िए के बच्चे परफेक्ट शिकारी बन जाते हैं। भेड़िए जंगल के बजाय मानव आबादी से लगे ग्रासलैंड और पानी के नजदीक रहना पसंद करते हैं। बहराइच के जिन इलाकों में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है ये इलाके उनके लिए मुफीद साबित हो रहे हैं। भेड़िए ब्रीडिंग के समय ही जंगल का रुख करते हैं जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में भेड़िए जंगल में नहीं रहते, ये जंगल से बाहर रहते, ये इंसानों के साथ रहते। जंगल में यूएस या दूसरे कनाडा या ऐसे देशों में जहां पे जंगल में कुछ और नहीं है, वहां पे टाइगर नहीं है, वहां पे लेपर्ड नहीं है, वहां पे जंगल में कुछ और नहीं है, तो वहां के जंगलों में भेड़िए रहते हैं। हमारे भेड़िए जंगलों से बाहर मैदानी इलाकों में, ग्रासलैंड में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में ऐसे चाहिए। खाली ब्रीडिंग के टाइम में उनको ऐसा एरिया चाहिए जहां पे डिस्टरबेंस कम हो। ब्रीडिंग को छोड़ के वो कहीं भी घूमते रहते हैं, वो किसी को पता भी नहीं चलता, बट ब्रीडिंग के टाइम में उनको पानी और रहने के लिए जगह और प्रे चाहिए जहां पे डिस्टरबेंस बहुत कम है। ब्रीडिंग को छोड़ के वो किसी भी लैंडस्केप में घूमते हैं। जानकार मानते हैं कि भेड़िया गुलदार बाघ से भी खतरनाक और चालाक शिकारी जानवर है। बाघ हो या गुलदार, एक जगह छुपकर दुबककर शिकार करता है, लेकिन भेड़िया ग्रुप बनाकर अपने शिकार को खोजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।